भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित होने से मंत्री पद के दावेदार विधायकों की दुकदुकी बढ़ गई है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी कुछ और दिन के लिए टल गई है। शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद 24 या 25 दिसंबर को सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल गठन संभावित था। अब मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने से सभी प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को राजधानी शिमला के रिज मैदान पर शपथ दिलाई गई थी। इस दौरान कुछ दिन के भीतर मंत्रिमंडल गठन की बात कही गई थी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राजस्थान जाते समय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद मंत्री बनाने का बयान दिया था। 22 से 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र धर्मशाला में प्रस्तावित होना था। बीते दिनों पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ दिल्ली में कई दौर की बैठक करने के बाद मंत्रियों के नाम लगभग तय हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने से शीतकालीन सत्र के साथ मंत्रिमंडल गठन भी कुछ दिनों के लिए टल गया है। अधिकांश कांग्रेस विधायक दिल्ली से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंच गए हैं। विधायकों का 21 दिसंबर की सुबह धर्मशाला पहुंचने का कार्यक्रम था। 23 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष को चुना जाना था। अध्यक्ष के चयन से मंत्रिमंडल के गठन का स्वरूप स्पष्ट होना था। अब बदली परिस्थितियों ने मंत्री पद के दावेदार विधायकों का इंतजार और बढ़ा दिया है। मंत्री बनने के लिए विधायकों को अब दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी 2023 के पहले सप्ताह तक रुकना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।